जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए खाना पीना जरूरी है, उसी प्रकार समय समय पर रक्तदान करना भी उतना ही आवश्यक है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इससे हम किसी अनजान व्यक्ति की भी जान बचा सकते हैं। सोशल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स भारत के स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष खेम सिंह चौहान की प्रेरणा से संस्था की दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश शाखाओं के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन RST इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के कैंपस साहिबाबाद में किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सोशल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स के संरक्षक सदस्य SC त्रिपाठी ने कहा कि रक्तदान ही जीवनदान है, इसलिए जीवनदान के लिए हम सभी को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए, जिससे रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट राजकुमार चौहान ने बताया कि संस्था के द्वारा जनहित में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में 39 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। संस्था के दिल्ली NCR महासचिव गिरीश सारस्वत ने बताया कि रक्त का कोई विकल्प नहीं होता और ये किसी फैक्ट्री में भी नहीं बनता है, इसलिए प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। शिविर में शिव कुमार राघव, लक्ष्मी नारायण वर्मा, प्रमोद कुमार, अमित कुमार बंसल, उस्मान अली, हेमंत सिंह, वीरेंद्र सिंह यादव, भारत भूषण मानवेंद्र सिंह चौहान, तरुण जैन, अक्षय पवन, अंकित सैनी, गिरीश कुमार, सार्थक गहलोत, वंशज गोयल, अनुराग गहलोत, हितेंद्र कुमार चौहान, विपिन, चरणजीत सिंह, पंकज अग्रवाल, राजेश शाह, सुमित अरोड़ा, अमित कुमार पांडे, योगराज, राजेश कुमार, कौशल सिंह मनराल, सूरज पटेल, वेद प्रकाश, नरेश कुमार, नितिन शर्मा, विकास सिंह नेगी, राजेश नागपाल, दीपक राणा, हिमांशु गोस्वामी, ललित धीमन, उदय प्रताप शर्मा, योगेंद्र शर्मा, सरोज यादव, शुभम मलिक आदि सहित 39 लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के दिल्ली NCR अध्यक्ष और RST इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक RS तोमर ने शिविर में सहयोग हेतु डॉक्टर संदीप पवार, डॉक्टर विनोद कुमार सहित उनकी पूरी टीम का तथा रक्तदान करने वाले अपनी कंपनी के सभी कर्मचारियों सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सभी रक्तदाताओं का तथा सोशल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स के सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया। इस दौरान संस्था के उत्तर प्रदेश महासचिव अमित पांडे, IT हेड सुमित अरोड़ा, मीडिया प्रभारी आशुतोष यादव, दिल्ली प्रदेश पदाधिकारी पंकज अग्रवाल, शांतनु तोमर, सचिन तोमर, सिद्धार्थ तोमर, डॉक्टर महर ठाकुर, डॉक्टर विथी गहलोत, कुसुम लता तोमर, दीपिका सारस्वत, हरीश सिंगला सहित अनेक लोगों ने अपना योगदान देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सर, आज जो हम ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक नोबल कॉज है और सब लोगों का सहयोग है। इसके करने का उद्देश्य यही है कि जो हमारी सोशल फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसके बैनर तले हम कुछ ऐसे सामाजिक कार्य करें जिससे समाज का कहीं ना कहीं ऐसा उत्थान होता रहे। और आज का तो वैसे भी विश्व का एक महान दिन है जिस दिन लोग रक्तदान करते हैं अपना, इसीलिए हमने भी इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, जिसमें हमारे कुछ साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, जैसे हमारे राजकुमार चौहान जी हैं। ये सब इन्हीं का ही अरेंजमेंट है, इन्होंने ही सारा प्लान किया है। और जो हमारे यहाँ की टीम है बहुत सपोर्टिव है, जो डॉक्टर्स हैं या हमारे और सारे साथी हैं सोशल फॉरम ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लगभग कितने लोग इसमें भाग लिए हैं? अभी तक मेरे ख्याल से 40 से 50 के आसपास हो चुके हैं, 100+ के आसपास जाएंगे कंफर्टेबली, बिकॉज ये प्रोग्राम 5 बजे तक चलने वाला है। तो आप पहले भी कभी आयोजन कर चुके हैं? नहीं, ये फर्स्ट टाइम। हाँ, यहाँ RST इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में फर्स्ट टाइम है, सोशल फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इसकी फीलिंग्स अपने आप में बहुत अलग है। जिस तरह से लोगों का सपोर्ट है, सहयोग है, जिस तरह से लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं, अभी तो 3-4 लोग आके मेरे से ऐसे मिले हैं
तो कह रहे जी हमारे को तो किसी ने बताया कि आरएसटी में ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है, तो मुझे बहुत मिलकर उनसे भी अच्छा लगा। ऐसे जैसे देखा जा रहा है फैमिली काफ़ी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, फैमिली यहाँ पर देख रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं, तो फैमिली का कैसे सहयोग होगा इसको किस तरीके से देखते हैं? एक्चुअल में मेरी जो डॉक्टर लाना दोनों डॉक्टर हैं और हमारे विज़न में वही चीज़ें हैं और हम चाहते हैं अपनी मदर के नाम से भी एक चैरिटेबल काम करना चाहते हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही सब लोग हमारे अपने दोस्तों के सर्कल में भी ऐसे हैं, रिलेशन में भी वही हैं, जैसे ये हैं या और हमारे साथी हैं, इतने भी लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग साथी ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। उन सब लोगों का एम यही है कि हम लोग को समाज के लिए भी करें। उन सब लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, उनको ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो मिलें, देखें, समझें। और वैसे भी इंसान को हमेशा, देखिए क्या होता है ना, जानवर इंसान में बेसिक एक ही फ़र्क होता है, जानवर अपने अपने बच्चों के लिए जीता है, इंसान अपने अपने बच्चों समाज के लिए जीता है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो आदमी समाज के लिए कुछ नहीं करता है वो शायद सक्षम होते नहीं करता है, तो शायद उसके लिए उचित चीज़ें नहीं हैं। किसी के बारे में नेगेटिव बात करना कभी अच्छा नहीं होता, पर ये जो रुकूंगा कि लोगों से प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए और परिवार में जैसा आप सोचते हैं ऐसे सब लोग मिल जाते हैं आपको। सर आपका क्या योगदान रहा है? हमारी सोशल फोरम ह्यूमन राइट एक संस्था है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खेम सिंह चौहान जी हैं, उनका एक ये वो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक ब्लड डोनेशन का बहुत बड़ा मेगा कैंप लगाया जाए, तो उसी को देखते हुए ये दिल्ली और यूपी की टीम ने संयुक्त रूप से ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। इसमें अमर उजाला वालों का भी सहयोग है और रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से MMG जिला अस्पताल की टीम द्वारा ये आयोजन किया गया है। आने वाले दिनों में ऐसा कार्यक्रम? हमारी संस्था अभी नई है लेकिन सभी लोग इतने ऊर्जा से भरे हुए हैं, आज का जो माहौल यहाँ लगा है उससे और ज़्यादा वो होंगे, उत्प्रेरित होंगे, एनर्जेटिक हो गए हैं, तो इससे भी बड़े बड़े और भी अलग अलग तरह के समाज सेवा के कार्यक्रम बहुत जल्द ही हम संपन्न कराएंगे। आज वर्ल्ड का रक्तदान दिवस है और रक्तदान माने जीवन दान। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है कि रक्त रहे, रक्त संचार रहे, और हमारी संस्था जो सफ़र है सोशल फोरम ह्यूमन राइट का, ये उसी जीवन दान के लिए है। जीवन का एक पहलू है जीवित रहना, उसमें जो कुछ भी परेशानी हो सब पे हेल्प करने के लिए संस्था है। आज संस्था द्वारा विश्व रक्तदान दिवस पे ये रक्तदान का केंद्र, रक्तदान का एक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके लिए संस्था को बहुत अधिक हम प्रेरित करेंगे और आभार होगा जन सेवा के लिए। सर, RST सारा श्रेय RST को है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने एक कैंपस दिया, प्लेस दिया, बल्कि इसके मोटिवेशनल पॉइंट वही हैं, उन्हीं के उद्दीपन से परसों से आज तक में ये सब हो गया है। ऐसा देखिए, रक्तदान जीवन दान होता है और रक्त का कोई विकल्प नहीं होता। रक्त केवल मनुष्य के द्वारा दान देने से ही जीवन दान हो सकता है किसी का, क्योंकि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, और इसलिए रक्तदान के शिविर आयोजित किए जाते हैं। आज विश्व रक्तदान दिवस भी है, साथ ही जिस संस्था के बैनर तले, सोशल फोरम ह्यूमन राइट्स के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है, उसका भी आज स्थापना दिवस है, और इसका श्रेय हमारे दिल्ली NCR स्टेट के प्रेसिडेंट श्रीमान RS तोमर साहब और उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट एडवोकेट राजकुमार चौहान साहब को जाता है। इन्होंने संयुक्त रूप से एक रक्तदान आयोजित करवा के एक जीवन दान की पहल की है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और जिस संस्था के बैनर तले हम ये जन कल्याण के कार्य कर रहे हैं, निरंतर इसी तरह के कार्य आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर महक ठाकुर है और मैं ऑफ्थैल्मोलॉजी में MS कर रही हूँ, मेरा थर्ड ईयर है MS का। और मेरा नाम डॉक्टर वेथी गहलोत है एंड मैंने भी MBBS कंप्लीट करी है एंड मैं PG की तैयारी कर रही हूँ। ब्लड डोनेट करते हैं तो ब्लड आते हैं तो कई जरूरतमंदों को दिया जाता है, ब्लड डोनेट करने से हमें क्या फायदा होगा? ब्लड
डोनेट करने से ना सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा होता है जिन्हें ये ब्लड पहुंच रहा है, बल्कि उनको भी फ़ायदा होता है जो ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप जब ब्लड डोनेट करते हैं तो आप ये समझिए कि आइडियली हमें अपने ब्लड को कुछ इंटरवल्स पे हर एक साल में एक बार तो डोनेट करना ही चाहिए, ठीक है। और हमारा जो ब्लड है वो अपने आप जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड में मेन जो सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और उनकी लाइफ स्पैन वैसे भी 120 डेज होती है, उसके बाद नए रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो ब्लड और ब्लड के अलावा बाकी सारे टिश्यूज भी बॉडी के टाइम टू टाइम रिप्लेनिश हो रहे होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ कि अगर आप टाइम टू टाइम अपना ब्लड डोनेट करें। We are very proud of it because we being doctors know के जो blood है वो कितने लोगों तक पहुँचता है and कितनी help करता है, and in fact आप blood donate करते हैं तो वो आपको cancer का risk भी prevent करता है, आपका cancer का risk lower हो जाता है उससे। जब आप एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे मान के चलिए वो ब्लड एज अ होल ब्लड भी ट्रांसफ्यूज हो सकता है, वरना एक यूनिट ब्लड चार कंपोनेंट्स में बट सकता है, प्लेटलेट्स, WBCs, प्लाज्मास। तो अगर आप एक यूनिट ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप ये समझ लीजिए आप उससे चार लोगों की सहायता कर रही हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ सेविंग होता है ये इमरजेंसीज में, और स्पेशली जो बहुत पुअर पॉपुलेशन है वहाँ कोई नहीं आता ब्लड डोनेट करने। अभी जैसे कोविड था तो उसमें आप ब्लड डोनेट करते थे तो उसका प्लाज्मा यूज़ होता था कोविड पेशेंट्स को सेव करने के लिए, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग बेनिफिट होता है, इनफैक्ट जो डोनर होता है उसको भी बेनिफिट होता है। आपको थोड़े थोड़े टाइम पर प्लीज़ ब्लड डोनेट करना चाहिए, इससे सिर्फ आपका ही नहीं और भी बाकी सारे लोगों का भी फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए परेशान होते हैं, उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करेंगे। मैम आपसे एक सवाल रहेगा कि बहुत कई लोग ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, फैमिली मेम्बर मना कर रहे हैं, ऐसे लोग आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो युवा हैं वो अगर हेल्दी हैं, फिट हैं एंड उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन्ड है, नॉन स्मोकर हैं, नॉन अल्कोहलिक हैं, वो बहुत ही इन अ हेल्दी वे दे कैन डोनेट ब्लड। और हमें ज़रूरत है कि हमारे से जो पहले वाली जनरेशन है उनकी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो मिथ्स हैं वो वहीं हैं। आज की जनरेशन आई एम वेरी प्राउड टू से काफ़ी फॉरवर्ड है, पढ़ी लिखी है, पर जो प्रीवियस जनरेशन है काउंसलिंग उनकी रिक्वायर्ड है, क्योंकि कल को उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोविड में अच्छे अच्छे लोगों को ज़रूरत पड़ गई, तो वी शुड थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड कम फॉरवर्ड। और ब्लड डोनेट करने से जो डोनर है उसको बहुत सारे रिस्क, जैसे इन्होंने बताया, कैंसर का रिस्क रिड्यूस होता है, हार्ट डिजीजेस का रिस्क रिड्यूस होता है, तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जिसको आप ब्लड दे रहे हैं वो तो एक पुण्य का काम है ही, उसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी बेनिफिट्स बहुत हो रहे हैं। कहना चाहेंगे आज के ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में? आज का कैंप बड़ा सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर हुआ है, क्योंकि परसों रात इनकी बात हुई सर की और कल हमें पता चला है, और इतने कम टाइम में भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हम चाहेंगे कि ये कंटिन्यूस रहे। आगे आने वाले 3 या 4 महीने बाद हम फिर दोबारा एक बार कैंप लगाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों में बड़ा उत्साह दिखाई दिया है इस चीज़ के लिए। 40 डोनेट कर चुके हैं और 10-12 रिजेक्ट भी हुए हैं, तकरीबन 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, और उसके बाद अभी तो चल ही रहा है। वैसे साल में एक बार करना चाहिए तो नहीं, हर 3 महीने बाद डोनेशन आप कर सकते हैं, महिलाएं 4 महीने बाद और जेंट्स 3 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? भैया हम तो यही कहना चाहेंगे कि विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में सभी लोग आगे बढ़ जाएं, ब्लड डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं है, सबका फायदा ही है, नया खून बनता है और आपका जो है हार्ट अटैक होने के चांस कम होते हैं, मोटापा कम बढ़ता है। सुमित नाम है मेरा और इस संस्था हमारी में मैं IT हेड हूँ, और आज ये रक्तदाता शिविर आयोजित किया गया है। आज हमारी संस्था का फाउंडेशन डे भी है और रक्तदाता दिवस है ही, तो इस उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज ये शिविर प्लान किया। तो आपने पहले भी ब्लड डोनेट किया है? जब अब तक 14-15 बार कर चुका हूँ। भैया अपनी अपनी पर्सनल लाइफ देखो, हर आदमी की है, लेकिन उससे थोड़ा सा बाहर निकल के अपनी लाइफ के संघर्ष भी चलते रहेंगे, सुख दुख भी चलते रहेंगे, लेकिन उससे बाहर निकल के आगे थोड़ा समाज के लिए सोचना ज़रूरी है। ब्लड डोनेट करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और इससे पहले भी कभी आपने डोनेट किया? हाँ, 1 साल हो गया, कोशिश करता हूँ 6 महीने में दूँ, बट टाइम नहीं मिलता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो डरते हैं कि भाई हम ब्लड देंगे तो हमारी बॉडी के मसल्स गेन नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या कहते हैं? नहीं, ब्लड अगर आप नहीं
क्योंकि तो क्या होता है ब्लड थिक हो जाता है बॉडी के अंदर, तो देना ज़रूरी है कि आप ओवर कर जाते हैं ना बॉडी के अंदर, जो निकलता है तो दोबारा साफ ब्लड बनता है बॉडी में, वो ज़रूरी है देना। ब्लड साफ रहना चाहिए, जो बॉडी में छोटे छोटे एसिड अटैक पड़ते हैं इसलिए बढ़ते हैं कि आप ब्लड नहीं दे पाते। राइट, बेनिफिट है। नहीं यार, करना चाहिए, सबको करना चाहिए, वर्कआउट करो, मैं तो यही बोलूँगा।